दोस्तों आज के जमाने में कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है पैसा कमाने के लिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करता है, रात को दिन करके मेहनत कर करके पैसा कमा लेता है। लेकिन जब थोड़ी पैसा बच गया तो बारी ये आती है कि दोस्तों पैसा रखे तो कहाँ रखे। सवाल ये उठता है कि पैसा रखे तो कहाँ रखे, तो सबसे पहले सवाल ये, इसका जवाब ये होता है, हर कोई चाहता है कि अपना पैसा बैंक में ही रखे, क्योंकि बैंक एक ऐसी जगह है जिसमें आप सिक्योर करके अपना जो भी पैसा रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। और इसके अलावा ये भी फैसिलिटी है कि कभी भी आपका पैसा को जरूरत पड़े तो आप अपने समय के हिसाब से आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि दोस्तों जब भी आप किसी बैंक में जाते हो अपना अकाउंट बनाने के लिए, अपना खाता बनाने के लिए, तो सबसे पहला एक फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत सारी डिफिकल्ट होती है, जब एक अकाउंट बनाने जाते हैं उसका सही से समझ नहीं पाते कि करंट अकाउंट क्या है और सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है, उसका काम कौन सी जगह पर उसकी काम करती है और कौन सी चीज़ें से ये सेविंग अकाउंट क्या है। जो कोई भी अकाउंट बनाने जाते 100 में से कम से ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि दोस्तों कि ये दोनों अकाउंट सेम है। इस वीडियो में बताने वालों को अकाउंट के बारे में यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का अंतर क्या है, उसका काम क्या है, उसके लिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं इंटरनेट की ज्ञान। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं आपको दोनों अकाउंट का जो अंतर क्या है, उसका क्या बोला जाता है, सेविंग अकाउंट को क्या बोला जाता है, करेंट अकाउंट को क्या बोला जाता है और अंतर क्या है, बीच में अंत में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट को हिंदी में बोला जाए तो उसको बचत अकाउंट बोला जाता है, यानी कि बचत खाता बोला जाता है। इसमें आपको ये करना है कि आप जो भी पैसा आप बचेगा उसे थोड़ा थोड़ा करके आप जमा कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के जरिए, और ये ज़्यादातर लोग आम आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद अकाउंट है। तो दोस्तों जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सेविंग अकाउंट, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हम जमा कर लेते हैं इस अकाउंट में। और एक फ़ायदा ये है कि दोस्तों बैंक की तरफ से आपको 3% से 4% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी, यानी कि ब्याज जो है आप बैंक की तरफ से आपको मिल जाएगी, जो कि एक खास बात है इस सेविंग अकाउंट की। इसके मतलब कि आपको साफ साफ कहा जाए तो कोई सेविंग अकाउंट यदि आप ओपन कर लिया तो आप अपने मुताबिक अपने जब चाहे तब आप जाके बैंक में आप थोड़े थोड़े करके जमा कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, 3 से 4% के जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिल जाएगा, यही है सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेंगे करेंट अकाउंट की। करेंट अकाउंट को हिंदी में कहा जाए तो वो ये होता है कि चालू खाता है। ये अकाउंट ओनली फॉर जो कंपनी का और किसी बिजनेस के बारे में बिजनेस चलाते हो ऐसे में आप ये अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल हर समय रोज़ाना आपको समय समय पर आपको ट्रांजैक्शन होना है और बिजनेस हर समय आपको लाखों से ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन होना। यदि इस अकाउंट बनाने के लिए यदि आप एक बिजनेस करते हो या फिर आप कोई बड़े कंपनी चलाते हो ऐसे में आप करंट अकाउंट कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी फायदा होता है कि जब भी आप किसी की बड़ी रकम से ट्रांजेक्शन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप बड़े बड़े जो कंपनी है बिजनेसमैन लोग है वो ये करंट अकाउंट वो लोग बनाते हैं। करंट अकाउंट में ये खास तौर पे ये है कि दोस्तों आपका अकाउंट हर समय चालू रहता है, यानी कि चालू अकाउंट है करंट, यानी कि उसका नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये करंट अकाउंट है, और इसमें हर समय डेली वाइज आपको चालू रखना पड़ता है, रोजाना आपको लेन देन रोजाना आपको करता रहना पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के अंतर में जो डिफरेंट है वो शायद आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब ये मैं आप कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ, यानी कि कुछ अंतर आपको बताने वाला हूँ सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का। पहला अंतर ये है दोस्तों कि सेविंग अकाउंट यदि आप करते हो उसमें कुछ जो भी डिपॉजिट करते हो विड्रॉ करते हो उसका जो ट्रांजेक्शन है कुछ लिमिट रहता है, लेकिन आप बात करें करंट अकाउंट की उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं दिया गया, जिसमें आप जितना भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ये था पहला जो डिफरेंट है करंट और सेविंग अकाउंट की। तो दूसरी बात हम कर रहे हैं, ये खास बात है कि सेविंग अकाउंट की यदि आप सेविंग अकाउंट करते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाती है, 3 से लेकर 5% तक आपको जो इंटरेस्ट है वो साल में एक बार जरूर आपको मिल जाएगी सेविंग अकाउंट में। लेकिन हम बात करें करंट अकाउंट की, उसमें कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, ऐसे कुछ भी आपको बेनिफिट जो इंटरेस्ट बैंक की तरफ से मिलती है वो आपको करंट अकाउंट में नहीं मिलने वाला है। तीसरा अंतर हम बात करें तो दोस्तों सेविंग अकाउंट में आप कुछ ज़्यादा कुछ राशि नहीं डाल के भी आप एक अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आपके पास कम राशि है कम धन है तो आप उसमें सेविंग अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आप यदि आप करेंट अकाउंट बनाने के लिए जाते हैं उसके लिए आपको बहुत ही राशि खर्च करना पड़ेगी, और उसके लिए आपको बहुत ही आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है या कि जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप
आप अकाउंट बनाने के लिए टर्म एंड कंडीशन नहीं फॉलो करते हैं, करंट अकाउंट आप बना नहीं सकते। तो दोस्तों हर समय ये होता है कि सेविंग अकाउंट के लिए कुछ मिनिमम बैलेंस रखा है, जिस बैलेंस के जिस राशि से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को पूरी आप समझ गए होंगे कि सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट का काम क्या है और करंट अकाउंट का काम क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक कर दीजिए, और आपके पास कोई सवाल और सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और परिवार को इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो अंतर क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे और आपका यूट्यूब चैनल इंटरनेट के ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट साइड के जो बेल का आइकन है प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।